आज मैं आप सबको दिखाऊंगी कि कैसे एक ही सब्जी का प्रयोग करके आप तीन तीन सब्जियां बना सकते हैं। एक ही फूलगोभी का प्रयोग करके आप उसी से तीन नई सब्जियां बना सकते हैं, मतलब अलग अलग सब्जियां बना सकते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक ही होंगे। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसी सब्जी बनाना सिखाते हैं जिसको प्रायः सभी लोग कचड़े में फेंक देते हैं या फिर जानवरों को खिला देते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी ठंडी आ चुकी है और अभी मार्केट में फूल गोभी की भरमार है, तो फूल गोभी तो हम लोग घर पे लाते हैं बाजार से खरीद के और उसकी सब्जी तो बनाते हैं, पर उसकी जो डंटी होती है पत्ते उसको हम लोग फेंक देते हैं। आज मैं आपको डंटी की सब्जी बनाना सिखाऊंगी। तो आज मैं आप सबको डंटी की सब्जी बनाना सिखाऊंगी, वो भी घर के ही सामान्य मसालों से। और एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये फूल गोभी है जिसको हम बाजार से खरीद के लाए हैं। कितनी फ्रेश लग रही है देखने में। तो ये जो इसकी ये डंटी है इसको हम तोड़ के अलग कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने फूल गोभी की डंटी जो है अलग कर ली है। अब हम इसके पत्तों को भी साइड साइड से निकाल देंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, हमने डंटियों से पत्तों को अलग कर लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे, इतने बड़े बड़े। मैंने डंटी के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं। अब इसे मैं पानी में डाल के अच्छे से धो लूँगी। आप लोग चाहे तो इसे पहले भी धो सकते हैं। अब हम कटे हुए डंटियों को जो है वो उबलने के लिए डालेंगे कढ़ाई में, और थोड़े से कटे हुए आलू भी डाल देंगे, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के, थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। इसको अच्छे से मिला के कुछ देर के लिए सिझने देंगे। तो हम एक बार उठा के देख लेते हैं, ढक्कन हटा के देख लेते हैं कि ये बॉईल हुआ है कि नहीं। अभी ये थोड़ा सा बॉईल होना और बाकी है, इसे कुछ देर और पकने देते हैं। जब तक वो बॉईल हो रहा है तब तक हम चावलों को देख लेते हैं। इधर दूसरे स्टोव में मैंने चावल चढ़ाया था। ये देखिए, हमारे चावल जो भी हैं वो पक चुके हैं। अब हम इसका माल निकाल लेंगे। तो देखिए, मैं चावलों के माल पसा ले रही हूँ। तो देखिए, मैं चावलों से माल पसा ले रही हूँ। ये देखिए, मैंने माल जो है वो पसा लिया। ये देखिए, भाप कितना फ्रेश लग रहा है देखने में। अभी भाप की वजह से कैमरा में भाप पड़ जा रहा है तो नहीं दिख रहा, पर भाप बहुत ही फ्रेश लग रहा है देखने में। की सब्जी भी हम सरसों डाल के ही बनाएंगे। तो ये मैंने मसाले के लिए निकाल लिया है, सरसों है, ये हरी मिर्च है और ये लहसुन है। अब हम इसको मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। तो की सब्जी बनने वाली है तो इसमें तो टमाटर डालना ही है, तो टमाटर कुछ अधिक मात्रा में लेंगे। ये देखिए, मैंने तीन बड़े बड़े आकार के टमाटर लिए हैं। अब हम इसे बारीक और छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। टमाटर को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो इसको उठा के देख लेते हैं कि ये अच्छे से सीझा है या नहीं। ये देखिए, आलू अच्छे से सीझ गया है और डंटी भी अच्छे से सीझ गया है। तो अब हम इसको एक थाली में निकाल लेंगे। हम इसको एक थाली में निकाल लेते हैं। अब हम कढ़ाई को थोड़ा धो लेंगे। मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, और जब तक कढ़ाई गर्म हो रहा है तब तक हम इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देते हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें थोड़ा सा पंचफोरन डाल देते हैं। फोरन चटकने लगा है तो अब हम इसमें कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं।
अब डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा सा नमक। अब टमाटरों को गलने तक पकाएंगे। देर हो चुका है तो अब देखते हैं कि टमाटर ठीक से पका है या नहीं। ये देखिए टमाटर जो अच्छे से पक गया है। अब हम इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे। टमाटर अच्छे से मैश हो चुका है तो अब हम इसमें जो सरसों का मसाला हमने पीस के रखा है वो डाल देंगे। इसको अच्छे से मिला देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। अब इसमें उबाल आने का वेट करते हैं। ये देखिए सब्जी में उबाल आ चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे ये जो डंटी और आलू को हमने सिझा के रखा था वो अब हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा और उबाल आने देते हैं। ये देखिए सब्जी में भी उबाल आ गया है तो अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके मिक्स मैश कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। अब एक बार फिर से अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में। तो आप इसे गर्मा गर्म चावल के साथ खा सकते हैं। अब हम ये सब्जी बन चुकी है तो अब हम फूलगोभी के पत्ते का साग बनाएंगे। देखिए हमारी फूलगोभी की डंटी की सब्जी बनकर तैयार है और अब हम साग बनाने वाले हैं। और ये जो फूलगोभी के डंटी से हमने पत्ते निकाले थे अब हम इसके भी छोटे छोटे टुकड़े जो है वो काट लेंगे। साग को धो करके मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है तो मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा सरसों तेल डालते हैं। तेल गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे सूखी मिर्च और ये पीला सरसों। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। अब लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन होने देते हैं। ये देखिए लहसुन जो है वो ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसमें कटे हुए साग डाल देते हैं। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक। थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि साग की मात्रा जो है वो बहुत कम है। तो अब हम इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसको भी थोड़ा देर पकने देंगे। आइए देखते हैं कि हमारा साग बना है या नहीं। ये देखिए साग का पानी सूख चुका है तो अब हम इसको थोड़ा सा मैश कर देंगे। ये देखिए हमारा साग बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब साग को कढ़ाई से निकाल लेते हैं और अब बनाते हैं फूलगोभी की सब्जी। अब फूलगोभी को भी सब्जी के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। ये देखिए मैंने सरसों का तेल डाल दिया है और ये सरसों का तेल अब गर्म हो रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पंचफोरन। और अब हम इसमें डालेंगे आलू और फूलगोभी जो मैंने काट के रखे हैं।
थोड़ा सा डालते हैं हल्दी और थोड़ा सा नमक। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये मसाले में मिक्सी में पीस लूंगी, इसे मैं फूल गोभी की सब्जी में डालूंगी। ये देखिए, ये मिर्च है, ये लहसुन है, ये अदरक है और ये टमाटर, सबको मिला के मिक्सी में पीस लूंगी। तो हम फूल गोभी को बीच बीच में चलाते देखते रहेंगे, मतलब बीच बीच में चलाते रहेंगे कि वो एक तरफ से जल ना जाए। इसे अभी और भी ब्राउन होने तक भूनेंगे, क्योंकि आलू जो है अभी वो कुछ हद तक सीझ चुका है, पूरी तरह से नहीं सीझा, तो इसे सीझने भी देते हैं। ये भून जाने के साथ साथ सीझ भी जाएगा, इसीलिए इसे ढक ढक के भून रहे हैं। आलू और फूल गोभी भून चुका है और अच्छे से सीझ भी गया है। देखिए, अब हम इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। तेल गर्म ही है तो अब हम इसमें डालते हैं तेज पत्ता और थोड़ा सा और पचफोरन डाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा प्याज, इसको ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे वो जो मसाला हमने पीस के रखा है। थोड़ा सा इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर थोड़ी सी हल्दी और नमक। अब हम इसे भी ब्राउन होने तक भूनेंगे। देखिए, हमारा मसाला भी अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अब हम इसमें वो जो आलू और फूलगोभी भून के रखे थे वो वाला डाल के मिला देंगे। ये देखिए, हमारी आलू फूलगोभी की भी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। देखा आप लोगों ने, मैंने एक ही फूलगोभी से तीन तीन सब्जी बना ली है। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा और चलिए अब हम लोग सबको मिलकर के खाना खा लेते हैं। ये देखिए, खाना मैंने निकाल लिया है। अब मैं पहले बच्चों को खाना दे देती हूँ, उसके बाद मैं खुद भी खा लूंगी। तो हम इन सब